हेलो, मैंने 24 घंटे के लिए एज अ बेगर सर्वाइव करने वाला हूँ। तो हमारा पूरा मेकअप हो चुका है, अभी हम 24 घंटे एज अ बेगर बाहर सर्वाइव करने वाले हैं। और मैंने अपने साथ सिर्फ एक पानी की बॉटल ली है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये लोग कार के अंदर से छुप के शूट करेंगे। वहां से निकलने के बाद मैंने इधर उधर लोगों से भीख मांगी। चलने के बाद जब मैं थक गया तो मंदिर के बाहर जाके बैठ गया। बताओ तुम, आपको देता हूँ छुट्टा करा गया तो और ज्यादा छुट्टा लगेगा। मेरे को अब तक 5 रुपए मिले हैं, वो एक बंदे ने दिए। दादा कुछ खाने के लिए मिल सकता है? खाने के लिए कुछ मिल सकता है? वो दुकान पे जाओ ना दादा, इधर टपरी में क्या देगा खाने के लिए। भाजी वाले अंकल से मैंने कुछ खाने के लिए मांगा, भाजी वाले ने दिया गाजर। और गाजर खाते खाते मैं पैदल पता नहीं कहाँ चलता गया। तो अभी रोहित के पास ना फोन है ना ही कुछ है, और अभी वो पता नहीं किधर चले गया, हम लोग को उसको ढूंढने निकलना पड़ा है। कोई फटा पुराना चप्पल पड़ा है क्या? अरे कुछ खाने के लिए भीख मांगते मांगते मैं आगे चलता गया। जहां पर मुझे देख के लोग साइड हो जा रहे थे, इन्होंने मुझे टच करने दिया। ये कला सीखने में कितना टाइम लगता है? अरे इसको बहुत ही लगता है, पहले सीखना पड़ता है। वो कितना टाइम लगता है? 18 दिन 14 दिन में खींच जाए। मेरा फिर कमाई अच्छा नहीं है, आना वाना निकलेगा? आना वाना, अरे यार वो पगा मतलब पैसा देते। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे पैर में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी और रोड भी एकदम गर्म था। 9 रुपए मिले हैं 2-3 घंटों में, पर खाना पेट भर मिला है। 2 केले 1 गाजर चल रहा है गुजारा। खाने का इशू नहीं है, थोड़ा आजकल पैसे कम दे रहे हुए। यहाँ पे ये सर जी चल रहे हैं और ये हम लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं इसके साथ, घूम घूम के। इसको तो खाना पैसे सब मिले, मेरे को भूख लगी है। दादा कुछ बचा? खाने के लिए मिले कुछ भी दे। मुझे उन्होंने खाने के लिए थोड़े अंगूर दिए। भाई अंगूर देख लूंगा, इस तरह बेकार ही नहीं लगते। उसी मंदिर के बाहर आके मैं थोड़ी देर सो गया। कुछ टाइम पहले हम लोग यहाँ पे एक भिखारी को 1000 रुपया दिया था और पूरा दिन उसको स्टॉक किया था हमने, और आज रोहित वहाँ पे सोए हैं। दिस इज कर्मा। जीपे है? जीपे, पेटीएम? पेटीएम, उसमें क्या है थोड़े पैसे वापस आते हैं ना। कार्ड? कार्ड, कार्ड स्वाइप होता है, बता दीजिए। घाण खोल के दूँ, कार्ड स्वाइप कर ले। कैसा भिखारी है, इज्जत ही नहीं है। फिर गया मैं दूसरे मंदिर के बाहर बैठने के लिए। दोना खाते खाते हुए आ रहा रास्ते पे, और यहाँ पे दोना बट रहा था, यहाँ से रोहित ने लिया दोना। मार मार खाई है इसने। मेरे बाजू में जो बैठा है, मतलब लेट गया है, वो 7-8 मिनट से कंटिन्यूस उसका हाथ चल ही रहा है चादर के अंदर। आइदर वो खुजा रहा है या मेरे जो दूसरे बाजू बैठे हैं ना, वो खुद में ही खुद बातें किए जा रहे हैं। मतलब सामने कोई है भी नहीं, उससे बातें कर रहे हैं, फिर हाथ पे कुछ लिखने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा स्कैरी। वहाँ पर मुझे डर लग रहा था तो मैं दूसरे मंदिर के बाहर जा कर बैठ गया। तो अभी अपने को टोटल मिला के 11 रुपये मिले हैं, पर खाना पीना मजबूत मिला है अपने को। 1 गाजर 2 केले पकौड़ा और पाव, जो पकौड़ा जो बेचता है उसने ही दिया हमें फ्री में बना के। उसके बाद चावल और सोयाबीन। तो खाना पीना मस्त है ये लाइन में, पैसे का थोड़ा अभी मंदा हो गया है। 10 में से 7-8 लोग बिंदास खाने के लिए देंगे। अच्छी बात यह है कि मैं बैठ के बात भी कर सकता हूँ, लोग मुझे पता नहीं पागल समझ के जा रहे हैं या क्या समझ के जा रहे हैं।
पैर में बहुत दर्द हो गया था मुझे, शायद कुछ लग गया था मुझे, या छाले निकले थे, या पत्थर लगा था, या कांच लगा था, कुछ नहीं पता। और इन्होंने मुझे फिर भी धुतकारा नहीं, मेरे साथ खेला उन्होंने। चाय मिलाओ ना। चाय पीने के बाद मैं माता के मंदिर के बाहर जाके बैठ गया, बिकॉज ट्यूसडे था तो वहीं पे आते हैं सब लोग। कुछ पीने के लिए देते हैं, मतलब जूस या चाय या कॉफी? चाय पिया है उसने, सबको देना पड़ेगा। तो बाकी उधर तो हम भेदभाव भी नहीं कर पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे, हमारा आदमी है। सुसु लगा था तो मैं गार्डन में जाके मैंने सुसु किया। वापस आते समय किसी ने बुला के फ्री में चाय दी मुझे। मंदिर के बाहर जाके मैं वापस बैठ गया। मेरे बाजू में जो दो एजेड अंकल बैठे हैं वहाँ, उनमें से ही एक आंटी आके इनको बोल के गई, कह रहे बुड्ढे ठंडी लग रही है क्या? ये बोलते हैं, हाँ बुड्ढी लग रही है मेरे को ठंडी। के बाद एक छोटी सी बच्ची आई, उसने इन दोनों से बात किया, मेरे को देख के बोला, ये कौन नया है? मतलब यस दे नो कि कौन सा बेगर कहाँ पे होगा। आई बिलीव कि हाँ दे ऑपरेट इन ग्रुप्स। मेरे को वड़ा पाव मिला था, अभी सैंडविच मिला है, अभी खाऊंगा मैं। और अब तक 30 रुपीज़ मैंने किए हैं कमाई, 10 रुपीज़ मेरे दोस्तों ने दिए इधर उधर से जो भी था एक्स वाई जेड, बट 20 रुपीज़ इज़ ओरिजिनल कमाई। रोहित अभी किधर तो बाहर निकल गया था, मेरे से आगे चला गया था, तो 2 मिनट के लिए दूर से मेरे को लगा ये अंकल रोहित है। क्या भाई आखिर ठंड में तो नहीं सुला सकते, तो भी एक कंबल उसको दान देते। अभी हम ये शूट ही कर रहे थे तो यहाँ पे हमें एक भाई मिले, तो उन्होंने देखा एंड लाइक एकदम रियल लग रहे हो, एकदम रियल लग रहे हो। एंड उसके बाद जो चीज़ बोली उन्होंने वो मज़ा आ गया, भाई खुद बताएंगे। मैंने एक जन को बोला बाहर के फादर घूम रहा है। आज मैंने इनको शूटिंग करते हुए देखा तो इतना रियल लग रहा है कि विश्वास के बाहर है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सो दिस किड यहाँ से गया, बट मैं घूम के यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ से पूरा सीधा सीधा खाली रास्ता पड़ा है, बट फिर भी इसको पता नहीं क्यों वहाँ से नीचे से छुप छुप के जाना था। तो उधर मैं जो मंदिर के बाहर बैठा था वो अंकल के साथ, तो वो जब भी मैं कार में देख के बात कर रहा था ना माइक में यहाँ पे बैठ के, अंकल बार बार मेरे को ऐसे ऐसे देख रहा है। जैसे ही मैं अंकल को देखा उस दिन वो बाजू देख रहा है। मैं वापस यहाँ पे बात कर रहा था, वापस पूरा देख रहा। जैसे ही मैं उधर अंकल की इधर वो सब देख रहा। मैंने अंकल से बात करने की ट्राई की, मैं बोला कहाँ सोते हो? इग्नोर, दो बार इग्नोर किया मेरे को वो बंदे ने। अंकल ना हुआ मेरी क्रश हो गई भाई। तो हम अभी दूर आए हैं थोड़ा, मेरे पैर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा रेस्ट करूँगा। और मेरे सर में ना बहुत गंदा दर्द हो रहा है, बहुत गंदा दर्द। अभी आई हैव नो क्लू वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक हो सकता है कि मैं चश्मा नहीं पहना है इसीलिए हो रहा है, या धूप में ज़्यादा घूमा है इसीलिए हो रहा है, या कुछ है नहीं करने को क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, ना ही कुछ काम है, बस भटकना है, पैसे मांगना है। तो बस बंदा खाली बैठा रहता है एक जगह पे, ज़्यादा सोचता है वो सोच सोच कर दर्द होता है। आई हैव नो क्लू। मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, दो टाइप के बेगर्स होते हैं। फर्स्ट, जिनको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे जहाँ पे मैं बैठा था एक बंदा बाजू में बैठ के रियल में हाथ पर सलामत थे, पर वो अकेला बैठ के पूरी देर बात कर रहा था, पूरी देर हर दूसरे सेंटेंस में एक गाली दे रहा था, हर दूसरे खुद से ही बात कर रहा था, पता नहीं क्या था। आई अज्यूम कि उसे थोड़ा मेंटली कुछ तकलीफ होगी और किसी को हाथ पैर नहीं है, तो वो दे आर नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, इसलिए वो ये कर रहे हैं। बट देर आर सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जिनको हाथ पैर है, सब कुछ है, दिमाग है, मतलब स्टेबल दिमाग है, एंड स्टिल दे चूज टू बैग, जैसे ये सेकेंड थे। और ये लोग ना अरे रुक में जा रहे हैं, मतलब उनको पता है कि कौन कौन वहाँ पर बैठने वाला है। हाँ यार ये काफी अलग चीज है, काफी अलग चीज़। भाई ये हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ही मंगा लिया, एक काम करते हैं, भेंट करने से अच्छा इसको पार्सल करके किसी गरीब को दे देते। गरीब तो अपने घर का ही है ना एक। अरे है जो अपना रोहित पार्सल करो। ये
एक्चुअली क्या था ना, हम लोग बचा हुआ खाना है, एक्चुअली खाना नहीं है बचा हुआ खाना है, बचा हुआ खाना है। हम लोगों ने बोला जी फेंकने के जैसे तेरे को दे दूंगी, कुत्ते का है उससे अच्छा मैं हूं। क्या तू अपना गरीब है ना, घर का गरीब है, दूसरे गरीब को क्यों दू, इधर भी अपने को वो करने का है नेपोटिज्म। ये पूरा भरा मैंने, ये जानबूझ के लेके आया मेरे को मालूम है। ये भिखारी हो रही है क्या बेचारा, सही में पागल हो गया। क्या कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो गुड नाइट। और ये बजे रात के 4, इधर हम लोग अभी आग लगा के खुद को सेक रहे हैं, और वो देखो अभी बजे 6, हम लोग नींद में थोड़े पागल हो गए हैं और ये आराम से नींद कर रहे हैं। तो अभी हुआ है 6:30 और ये इसको बिठा के खुद सो गया। ए उठ रहे, क्या हुआ भाई, उठ बे, क्या हुआ, उठ सोने दे इसको गरीब को। अरे पूरी रात साला मैंने देखा है इसको, अभी ये मेरे को देखेगा भाई, अभी सोने का ना मेरा है, तू देख कट के आया, उधर चप्पल पड़ा है मेरा आया अभी है, आधा घंटा पहले पूरी रात मेरे को रितेश और पीयूष ने रखवाली की है और ये आके मेरे को उठा के सो गया साला। लातों से मार इसको, लातों से। नहीं मेरे को पैर में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक हूँ फिर मारूंगा। अभी हो गए 7:45, ये रोड लाइट पूरी बंद हो गई है और ये गुड नाइट, फिर से इसको उठा के सो गया। गुड नाइट, बेरहम भिखारी है, बेरहम भिखारी। तो अभी मेरे को पॉटी भी आ रही है बट मैं करने नहीं जाऊंगा, दो रीजन, एक तो पैर का रीजन आपको पता है और दूसरा 5 रुपए लगेंगे घर भरने के लिए, मैं नहीं चाहता इसमें से कुछ ख़त्म हो, 1 घंटा सिर्फ मेरे को ऐसा। हम उठे, अपना बोरिया बिस्तरा समेटा, हमने सोचा लोगों से थोड़े और पैसे मांगे, पर हमारे पैर की हालत ऐसे हो गई थी कि नीचे टच कर रहे थे और दर्द हो रहा था, चल ही नहीं पा रहे थे, तो हमने हमारा लास्ट का 1 घंटा वहीं पे निकाला। सेकेंड रीज़न, हमने लोगों से भीख नहीं मांगी बिकॉज सुबह सुबह है, लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं और हम सामने से पैसा मांगे या खाने के लिए मांगे तो अच्छा नहीं लगता यार। तो फाइनली 24 आवर्स हो चुके हैं, देखो भाई हमने खाना पीना बहुत अच्छा खाया आपने देखा, और हमने 40 रुपीस कमाए भी हैं, और इस वीडियो का मकसद पैसे कमाना नहीं, वो एक लाइफ जी के देखना था जो हमने की, और जो भी चीज़ें मुझे बोलनी थी, जो मेरे दिल की चीज़ें थी, वो मैं थ्रू आउट द वीडियो बोल चुका हूँ। अभी लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा भाई, हम सब ने हमारा 100% दे दिया ये वीडियो में। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यार देते रहना। बाय, लव यू।